करियर के शुरू में आपको कुछ अपने लिए प्रिंसिपल्स जो हैं वो सेट करने चाहिए, क्योंकि आगे जो आपका सारा जो करियर है बना हुआ, वो अगर उन प्रिंसिपल्स पे आप फॉलो करेंगे तो वही डिटरमिन करेगा इस बात को कि आप पूरी ज़िंदगी में क्या अचीव कर सकते हैं, कि चेंज मेकर बने, दूसरा कि पॉजिटिविटी लाएं और पॉजिटिविटी का कल्चर लाएं, तीसरा कि एम्बिशन रखें कि बाकी जो है ये KTH पाकिस्तान का बेहतरीन हॉस्पिटल बने, चौथा उसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें, और पांचवा पुश करें, अपनी लीडरशिप को भी पुश करें, डिपार्टमेंट को भी पुश करें कि सिस्टेमिक चेंज ना। और एक ऐसे नोबल प्रोफेशन है जिसमें आप लोगों की जानें बचाते हैं। इफ यू कैन सी योरसेल्फ देन यू विल बी देयर, इफ इट इज ऑल ब्लैंक यू आर नॉट सीइंग एनीथिंग, बिलीव मी यू विल नॉट बी देयर. So when you set a vision, your personal vision, I gave you the hospital vision, and your personal vision is up to you. And nothing is unachievable as long as you just set a goal and then work towards that goal. मुझे लग रहा है कि KTH एक role model बन, और मुझे भी फख्र है कि I agree कि हालांकि अभी बहुत काम बाकी होगा, लेकिन जो KTH आज है वो आज से even एक साल पहले उसमें फर्क, जो एक साल पहले था उसका 8 साल पहले से था। जो फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे प्रोजेक्ट था ये OPD ब्लॉक का, जो 4-5-6 साल से नहीं हो रहा था, वो एक ही साल में, और इसका क्रेडिट बोर्ड को जाता है और KTH की मैनेजमेंट को जाता है। एंड देन व्हेन आई सेड हार्ड वर्क, द ओनली वे टू अचीव योर गोल इज हार्ड वर्क, देयर इज नो शॉर्टकट। क्योंकि हमें ये जो है इन हॉस्पिटल्स को, और ये जो बड़े टर्शियरी हॉस्पिटल्स हैं, इनको हमने बाकी एग्जेम्पलर्स बनाने, राइट, कि लोग देखें कि पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल पाकिस्तान में ऐसे भी हो सकते हैं, पिशावर में भी ऐसे हो सकते हैं। वो तभी होगा जब हम थोड़ा सा मुख्तलिफ सोचें, वी थिंक लाइक चेंज मेकर्स। विजन इज दैट वी शुड बी रोल मॉडल, patient care, medical education, research and community interaction.